कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजू धनालिया और मेरे चैनल का नाम है राधिका व्लॉग्स। तो कैसे, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज दिन है सैटरडे और आज मैं हो गई हूँ रेडी, पर मैंने अभी हेयर बाल नहीं बनाए अपने। आप लोग देख सकते हैं चोटी मेरी सुबह की बनी हुई है, किसना ऐसे रहने दो। और आप लोगों को पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे घर के पास ही डीएवी स्कूल, गाइस हमारे पास में ही आज आ रहे हैं कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, वृंदावन में उनकी इतनी सारी वो कथाएं करते हैं, तो आज हम आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। तो चलो हम भी चलते हैं, और हमारे पास में है ये खेतानी स्कूल। 1 किलोमीटर। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा हम लोग पैदल ही जाएंगे। और चारों ओर ना माइक इतनी आवाज़ आ रही है, हम अभी टेरिस पर थे, इतनी आवाज़ें आ रही है ना पूछो मत। तो घर के सभी लोग जा रहे हैं, फैमिली के सभी लोग, सब लोग रेडी हो गए हैं। ये देखो श्यामा, और श्यामा तो जस्ट अभी ट्यूशन से आए हैं। तो चलो चलते हैं, बस इसके मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, नहीं इसके मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं चन्नू के मम्मी पापा तो हाँ है ना चन्नू, है ना चन्नू तो चलो गाइस, पहले श्यामा भी ट्यूशन से आए, श्यामा को कुछ खाने के लिए दे देते। तो गाइस, फैमिली के सभी लोग रेडी थे, बट त्रिषभ के मम्मी पापा रह गए थे, तो उससे पहले मैंने खाना वगैरह भी बना दिया था वहाँ जाने से पहले, क्योंकि हम लोगों को डिनर किया नहीं था। हमने कहा कि डिनर हम लोग वहाँ से आने के बाद ही करेंगे। तो डिनर में मैंने साग फ्राई किया और लौकी की सब्जी बनाई, आटा वगैरह गूंथ के रख दिया था। तो चलिए गई, अभी मयंक ट्यूशन से आए तो मयंक के लिए बनाते हैं बनाना शेक फटाफट से, और फिर चलते हैं। और मुझे तो अनिरुद्धाचार्य जी के अपने घर के पास आने की इतनी ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने उनको बाई फेस देखा है वृंदावन में, तो मैं तो यहाँ पे नाचने भी लगी उनकी आने की खुशी में। और गई, इतना ज़्यादा रश था ना, पूरी हमारी रोड बिल्कुल भर के चल रही थी, बहुत ज़्यादा रश था। और उनको शाम को 6 बजे आना था, अब यहाँ पे 7:30 का टाइम, तो हम लोग जैसे ही त्रिषभ के मम्मी पापा आएंगे निकल लेंगे। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा लगा हुआ है रोड पर, तो हम लोग गाड़ी से तो जाएंगे नहीं, हम लोग पैदल ही जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, इससे पता नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। खेतान स्कूल है, खेतान स्कूल का ग्राउंड आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। टीवी पे देख लो सच घर पे Thank you.
जोरदार हो गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। हम लोग तो आ गए, इतना ज्यादा रश है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतनी ज्यादा भीड़ है ना, पूछो मत। तो हम लोग तो आ गए हैं, बैठने की व्यवस्था ढंग की नहीं हो रही है। बैठने की व्यवस्था कहीं पे चेयर रखी हुई है, कहीं पे नीचे बैठे हुए हैं, और भीड़ की व्यवस्था है नहीं। स्क्रीन पे देखना है तो हर जगह देखेंगे। हाँ, स्क्रीन पर लाइव भी आ रहा है, वो तो हम टीवी में देख सकते हैं। तो चलो, अभी तो गाड़ी आने पर है, काफी दूर दूर से लोग बाग आ रहे हैं। गाइस, हम लोगों की आइसक्रीम पार्टी भी हो गई है। मेरे घर पर और आइसक्रीम पार्टी भी हो गई हमारी, और अनिरुद्ध चारे जी के यहाँ पे दर्शन तो नहीं हुए उनके, लेकिन बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी उसी में देखा हम लोगों ने, क्योंकि इतना ज्यादा रश था और हम सभी लोग इधर उधर हो गए, सब बिछड़ गए, इतनी ज्यादा भीड़ थी ना। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, कहीं चेयर रखी हुई है, कहीं लोग बाग नीचे बैठे है, और कहीं भीड़, कहीं हाँ कहीं भीड़ है, कहीं छीड़ है, जबकि ग्राउंड काफी बड़ा है वहाँ पे। अगर व्यवस्था करने चाहे तो बहुत अच्छे से हो सकती थी, या तो पूरे नीचे रखते, हाँ, या फिर चेयर ही चेयर रखते सारे में। तो अभी तो चलो, अभी हम डिनर वगैरह करते हैं, और डिनर में आज लौकी की सब्जी और साग। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।